हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना में दिनांक 28/2/2019 को अपनी दीर्घ सेवा देने के पश्चात कुल 7 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस प्रकार से हैं: अरुण कुमार घोष महाप्रबंधक, सुखूराम अपर महाप्रबंधक, शंभूलाल वर्मा अभियंता, राजेंद्र प्रसाद उप अभियंता, विनोद कुमार गुप्ता कनिष्ठ अधिकारी, रामजीत यादव उप अभियंता, गुलाब प्रसाद चर्मकार उप अभियंता। एनटीपीसी विंध्याचल प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के सम्मान में परियोजना के मैत्री सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एनटीपीसी के गीत के साथ हुआ। इसके पश्चात परियोजना की यूनियन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने फूल माला पहनाकर अतिथि कर्मचारियों का स्वागत किया। स्वागत की कड़ी में अंत में कार्यकारी निदेशक श्री अजीत कुमार तिवारी ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का पुष्पकम से स्वागत किया। इसके पश्चात सभी कर्मचारियों ने एनटीपीसी में दी गई सेवाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया और संबंधित कर्मचारियों के विभागीय प्रतिनिधि विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग से संबंधित कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यकारी निदेशक श्री अजीत कुमार तिवारी ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि एनटीपीसी विंध्याचल को वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान हमेशा यादगार रखा जाएगा और एनटीपीसी विंध्याचल सदा ही आपकी सेवा के लिए आपका कृतज्ञ रहेगी। उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के विषय में कहा कि आप सभी ने उस समय एनटीपीसी विंध्याचल में कार्य आरंभ किया जब यहाँ कुछ भी नहीं था, अर्थात इस परियोजना को शून्य से शिखर पहुंचाने में आप सभी का योगदान सराहनीय रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग आज के समय की तुलना उस समय से करते होंगे जब आप लोगों ने एनटीपीसी में कार्य आरंभ किया था, तो निश्चित ही आप लोगों को गर्व का अनुभव होता होगा। आप लोगों ने विंध्याचल को वर्तमान उच्च स्थिति तक पहुंचाने के लिए जिन परेशानियों का सामना किया, आज के नौजवान कर्मचारियों ने उन परेशानियों को नहीं झेला है। आप सभी के पास परियोजना के संचालन का एक लंबा अनुभव रहा है। आप लोगों ने अपने पुरुषार्थ से एनटीपीसी लिमिटेड को नवरत्न से महारत्न कंपनी में बनाया है। अपनी सेवा के दौरान आप लोगों को अपनी व्यक्तिगत कार्यों के लिए हमेशा ही समयाभाव रहा, किंतु अब आप अपना पूरा समय अपने परिवार और अपने जीवनचर्या को स्वस्थ बनाने के लिए दे सकते हैं। श्री तिवारी ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने जीवन की नई पारी की नए सिरे की शुरुआत करने हेतु शुभकामनाएं दी तथा उन सभी उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सम्मान की कड़ी में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को कार्यकारी निदेशक ने स्मृति चिन्ह एवं शाल से सम्मानित किया। साथ ही सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करते समय उनके परिजनों को भी मंच पर आमंत्रित कर इस भावुक क्षण को उनके लिए यादगार बनाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एनटीपीसी में उनके द्वारा दी गई दीर्घ सेवाओं के लिए दीर्घ सेवा प्रमाण पत्र श्री फल के साथ सोने का सिक्का भी प्रदान किया गया। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों ने बारी बारी से सभा को संबोधित करते हुए एनटीपीसी से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया, जिसमें उनकी ओर से इस बात का विशेष वर्णन किया गया कि किस प्रकार एनटीपीसी ने उन्हें एवं उनके परिवार को सिर उठाकर समाज में जीने का अवसर प्रदान किया। अभिनंदन समारोह का संचालन एवं धन्यवाद प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री शायुनी मजूमदार ने किया। कार्यक्रम के अंत में इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के साथ कार्य निदेशक श्री अजीत कुमार तिवारी के साथ एक सामूहिक एवं सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत फोटोग्राफ भी ली गई। साथ ही सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बैंड बाजे के साथ उनके घर तक पहुंचाया भी गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।